हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो मैं यहां पे हाजिर हूं MIUI 10 के नए वर्जन 6.8.8.16 ग्लोबल पब्लिक बीटा के फुल रिव्यू के साथ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी MIUI 9 की सीरीज की लेटेस्ट अपडेट जो Redmi Note 5 Pro के लिए आई थी। तो वहां पे कुछ लोगों की शिकायत ये थी, 9.6.3 लोगों की शिकायत ये थी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो सॉरी भाई, एडिटिंग में कुछ इश्यूज हो गए थे। मैंने खुद वीडियो देखा और मुझे भी लगा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है, तो माफ कर देना उसके लिए। ये वाली वीडियो वैसी नहीं होगी, भले वीडियो की फाइल साइज ज्यादा हो जाए, क्योंकि फाइल साइज करीब करीब 600-700 MB की हो जाती है, तो मैं भी मजबूर हो जाता हूं क्योंकि मुझे क्वालिटी कम करनी पड़ जाती है। खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर एक सवाल कुछ लोगों का है कि मेरे ग्रुप में वो मैसेज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो भाई, वो ग्रुप सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने के लिए है वीडियो की। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछिए, मैं मैक्सिमम लोगों को जवाब दे ही देता हूं। लेट होता है कभी कभी, 24 घंटा लेट हो जाता है, बट जवाब जरूर देता हूं। खैर अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। तो हम लोग यहां पर रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 4, Redmi Y 2 और Redmi 3S Prime के रिगार्डिंग। तो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट से लोगों से पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मैंने उनसे पूछा था। देखो, इतने सारे मैसेज पेंडिंग हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, तो ट्रैफिक मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है सबको जवाब दे पाना। हालांकि बहुत लोगों को मैंने जवाब दिया है, बहुत लोग अभी भी बाकी हैं। तो इन लोगों ने मुझे बताया, आप लोगों ने मुझे बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस बेसिस पर और मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर जो है मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाला हूं जो मुझे पता चला है MIUI 10 के नए अपडेट से रिगार्डिंग। तो यहां पर वो सारा कुछ है स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ 3S Prime की बात कर लूं जल्दी जल्दी में। 3S Prime में आपको कुछ भी नया नहीं मिला है। हालांकि पिछला अपडेट सस्पेंड होने के बाद 3S Prime में इंस्टॉलेशन बंद हो गया था 9-10 आने का, अब वो दोबारा से चालू हो गया है। आप 9-10 3S Prime, Note 3 और जिन डिवाइसेस के लिए बंद हुआ था उन सभी में आ सकते हैं, आपको खुली छूट मिल चुकी है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9.6.3 जो है सस्पेंड हो गया है, बट अभी भी बहुत लोगों की फोन में इंस्टॉल हो रहा है, तो मुझे उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही है। और इसके अलावा बाकी अगर इस फोन के अंदर बात करो तो इस फोन में मेरे यानी कि Redmi 3S Prime में मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैमरा वैसा ही है, कैमरा की क्वालिटी कहीं से डिक्रीज नहीं हुई है, बिल्कुल सही चल रहा है कैमरा। यहाँ पे मैं देखो दिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। और बाकी वीडियो वगैरह सही चल रहा है। इस फोन में PUBG नहीं चल पाता है, बहुत ज्यादा लैग होता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना लैग होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही रहता है, बैटरी बैकअप अच्छी हो गई है मेरी। ठीक है, अभी मैंने देखो बताता हूं मैं कि ये इस फोन को मैंने सुबह में चार्ज किया, सुबह में 5 बजे लगभग चार्ज से मैंने बाहर निकाला था, 5 या 6 बजे, और अभी भी इसके अंदर 44% बैटरी बची हुई है। तो बैकअप सही दे रहा है, बात उत करने में सही होता है। फोन हीट कभी कभी हो जाता है समटाइम्स, बट अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है। हालांकि MIUI 10 के नए अपडेट में बहुत सारे डिवाइसेस में हीट हो रहा है, ये डिवाइस अभी हीट नहीं है। मैं बहुत जल्द एक हीट बताने वाला मीटर लेने वाला हूं, तो फिर वो मीटर जो है मैं ऐसे फोन पे क्लिक करूंगा और वहां पे मीटर में लिखा जाएगा कि कितनी टेम्परेचर हो गई है फोन की, वो जल्द ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहा। लोगों ने जो कहा वो मैं आपको दिखाना चालू करता हूं। गैलरी के अंदर एल्बम में स्क्रीनशॉट यहां मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो किसी में 90 MB का, हाँ 3S Prime में 90 MB का अपडेट था MIUI 10 का जो मुझे दिखा था। अब यहां पे कुछ लोगों का जो कहना है वो ये कुछ इस तरह से है कि यहां पर MI तो कहता है कि फिक्स हो गया है बग्स और इम्प्रूव हुआ है सिस्टम स्टेबिलिटी, इसके अलावा कुछ तो दिखाता नहीं है। बट मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने दिखाया कि Redmi Note 4 के अंदर जो है सिक्योरिटी पैच जो है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो अगस्त का सिक्योरिटी पैच हमें मिल गया है, थैंक यू इनका। इसके बाद एक भाई ने बताया कि यहां पर एक नया मोड मिला है इंटरप्राइज मोड करके, उसका नाम है, और इस मोड के बारे में मुझे डिटेल में अभी नहीं पता चला है, जैसे ही मैं पता चलेगा, बल्कि मैं एक आर्टिकल भी लिखने वाला हूं इस पे, तो उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे तो मुझे मिला है 8.886, ऑल बग फिक्स हो गया है, मेरा Redmi Note 4 है। ठीक है, Redmi Note 4 में इनका सही चल रहा है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। अगले भाई जो है कितनी बार स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, हाँ इन्होंने बताया कि हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इनका फोन हीट कर रहा है और बैटरी की भी प्रॉब्लम हो रही है इनको। ठीक है, और इन्होंने बताया कि Redmi Note 5 में नेचुरल साउंड आया है, तो भाई ये तो पुरानी चीजें हैं, एडिशनल सेटिंग में न्यू फीचर्स ऐड हुआ है, हाँ वो तो हुआ है, वो हमने देख लिया। उसके बाद इन्होंने बताया अपडेट पे वीडियो बनाओ, भाई आपका शुक्रिया मुझे बताने के लिए, सॉरी मैं लेट हो गया था, बट अब मैंने वीडियो बना ली है। इन्होंने कहा कि बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, बैकअप नहीं है, बहुत बेकार हो गया है, मोबाइल स्पीड ज्यादा बैड हो गई है, गुड अपडेट बट बैटरी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अगले भाई जो है उनका कहना है कि सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में इंटरप्राइज का नाम का कुछ ऑप्शन आया है
और सिक्योरिटी में न्यू क्लीनर ऐप आया है। तो सिक्योरिटी में जो क्लीनर ऐप है उसकी कहानी बहुत मजेदार है। मजेदार यह है कि वो इससे पहले वाले ही न्यू आई 10 के अपडेट में आ गया था, मगर वो सिर्फ कुछ फोन्स में आया है, सब फोन्स में नहीं आया। मेरे 3S प्राइम में नहीं आया है, नोट 5 प्रो में आया है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी और हाँ व्हाट्सएप ठीक है, और बाकी रैम मैनेजमेंट ठीक हो गया है, चलो अच्छी बात है। ये एक भाई ने बताया कि उनके विजेट्स जो है इस तरह से अजीब तरह से हो रहे हैं, तो भाई ये आपके थीम का प्रॉब्लम है, थीम बदल लो ठीक हो जाएगा। इंटरप्राइज मोड, और हाँ कुछ भाई ने बताया कि स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन उनके फोन में यहाँ पे दिख रहा है जो उनको पहले नहीं दिखता था, ठीक है, और थैंक्स बताने के लिए। उसके बाद कुछ भाई ने बताया कि नोटिफिकेशन जो है वो चेंज हुआ है, मेजर बग फिक्स हुए हैं, डुअल ऐप वाला जो फीचर था वो सही काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन और सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ अपडेट्स आए हैं, तो थैंक्स, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे लंबे तरीके से। मैनुअल कैमरा मोड में इशू आ गया है रेडमी वाई 2 में, इन्होंने बताया MIUI 10 ग्लोबल बीटा में, थैंक्स भाई। इन्होंने बताया हमें कि ये देखो यहाँ इन्होंने बताया स्क्रीनशॉट अब आगे नहीं है। हाँ तो भाई ने बताया कि सिक्योरिटी क्लीनर आया है, सेम एडवांस सेटिंग में इंटरप्राइज मोड आया है, ठीक है, और बस। तो टोटल जो है इतने सारे मतलब जवाब मिले मुझे लोगों की तरफ से, तो भाई सबका शुक्रिया, और इतनी सारी चीजें बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं बताता हूं, एक्यूरेसी अच्छी हो गई है बट क्वालिटी ऑफ बैटरी लो हो गई है, फोन के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम आ गई है, चार्जिंग स्पीड स्लो हो गया है जब अगर फास्ट चार्जर यूज कर रहे हैं तब भी, और बहुत सारे बैटरी के प्रॉब्लम है, बग फिक्स हो गया है, फास्ट बूट के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा था, जर्मन लैंग्वेज वाला जो इशू था इसके अंदर, जर्मन का क्या इसके अंदर भी इशू था कुछ इस तरह का, वो भी फिक्स हो गया है, और भी बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक चेंज लॉग आया है जो MI ने डाला है, एक सेकंड। ओके, तो ये जो चेंज लॉग है ये Xiaomi ने रिलीज किया है। इस चेंज लॉग में जो Xiaomi ने लिखा है जो बातें, मैं उस पर भी गौर कर दूं तो Redmi Note 5 के अंदर जो है टेक्स्ट ट्रांसलेशन एरर जो हो रहा था सिक्योरिटी ऐप में वो फिक्स हो गया है, ट्रांसलेशन Redmi Note 3 के अंदर सिक्योरिटी वाज नॉट ट्रांसलेटेड टू इनटू इंग्लिश वो फिक्स हो गया है, कैलेंडर मीमिक्स में जो मीमिक्स 2 में जो करंट मंथ में डिस्प्ले होता था ग्रे कलर में और भी बहुत सारे फोन्स में वो ठीक हो गया है, सिस्टम ऑल डिवाइसेस फिक्स, स्पॉटिफाई नोटिफिकेशन डिस्प्ले डार्क ऑन लॉक स्क्रीन एंड इट वाज हार्डली टू बी सीन, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये मैं Note 5 Pro में बताऊंगा। और फिक्स हुआ है ट्रांसलेशन इशू, नोटिफिकेशन Redmi Note 5 Pro में नोटिफिकेशन ठीक हुआ है, ए वाइट ओवरले विजिबल ऑन डिसमिस, ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं अगली क्लिप जो मैंने हर्षित से ली है, हर्षित भाटिया यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, तो मैंने उनसे ली है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशली बेस्ड ऑन Redmi Note 5 Pro होगी। इससे पहले अभी तक आपने जो देखा ये मैंने मल्टीपल डिवाइस से रिलेटेड आपको बताया था, बट अब सिर्फ Note 5 Pro से बताऊंगा। ओके, तो यहां से शुरू हो गई हर्षित भाई की क्लिप। तो यहां पर जो है मैं पहले ये बता दूं कि इस समय मेरे पास सारे रॉम्स के डाउनलोड लिंक हैं और सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है जो कि है yusufjax.com, ठीक है, आपको पता होगा नाम अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। तो यहां पर से क्लिप हर्षित भाई ने दिखाई है। अब यहां पर कुछ खास बातें हैं मैं बता दूं, अगर आप 9 से 10 में जा रहे हैं या 10 से 9 में जाना चाहते हैं या आप पहली बार रॉम इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो भी प्रोसीजर है उसकी लिंक नीचे है वो आप देख लेना। ये देखिए इसके बारे में जो है हंगामा हुआ हुआ है कि भैया व्हाट्सएप क्लीनर मोड मिला है या गेम स्पीड बूस्टर मोड मिला है, व्हाट्सएप क्लीनर मिला है, यहाँ आप देख रहे हैं बीच में लगा हुआ है। तो ये जो है ये पुराना चीज़ है, ये पिछले अपडेट में आ गया था, जैसे कि मैंने बताया चाइना में ये वीचैट के नाम से आया है, इंडिया में ये व्हाट्सएप के नाम से आया है, तो ये पुराना चीज़ था, पहले लोगों ने मिस कर दिया, इसलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये नया चीज़ है बट ये पुराना है, और ये बात क्लियर की है हमारे हर्षित भाई ने, ठीक है, और ये मेरे फ़ोन में तो आया भी नहीं है, मेरे 3S प्राइम में मुझे नहीं दिखा। और यहाँ पर देखिए सिस्टम अपडेट में इन्होंने दिखा दिया है कि 181 MB का इनको OTA अपडेट मिला, ठीक है, जिसके अंदर फिक्स्ड बग और ये वो लिखा गया बस और कुछ नहीं। तो जो पुराने मेजर बग्स आए थे पुराने लास्ट अपडेट में MIUI 10 के, इस जिस वजह से MIUI 10 Redmi Note 5 Pro के लिए सस्पेंड की गई थी, तो उन सारी चीज़ों को इसके अंदर फिक्स किया गया है। मेन बेसिक चीज़ जो है फ़ोन की स्टेबिलिटी अच्छी की गई है, फ़ोन का जो स्क्रीन ये है फ़ोन के अंदर का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो तो अच्छा काम करता ही नहीं है, बाकी फ़ोन के अंदर जो आप देखोगे जो फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है, दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है, अब काफ़ी अच्छा हो गया है, और ये चीज़ तमाम डिवाइसेस के लिए हो चुका है। यहाँ पर MIUI 10 इंस्टॉल हो रही है, ये क्लिप मैं स्किप कर दूंगा इनका अभी तुरंत कर देता हूँ और हम लोग थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। ओके, तो 10 फाइनली इनके में इंस्टॉल हो गई है और काफ़ी सही चल रही है, बस कुछ दिक्कतें हैं जो आपको जान लेना चाहिए अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, और कर लिया है तो भाई क्या कर सकते हैं, अब अगले हफ्ते ही उसका छुटकारा मिलने वाला है, तब तक
कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं फिर से बता दूँ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। कुछ बग अगर आपको पता चले तो वो आप बता दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए, और ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप वाला मोड अभी भी दिख रहा है। इससे पहले जब व्हाट्सएप वाला मोड का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया था, क्लिप दिखाया गया था, वो हर्षित ने दिखाई थी, तब जो है वो पुरानी वाले अपडेट की थी और ये नया वाला अपडेट है। तो दोनों में ही क्लिप दिख रहा है और ये इस बात का सबूत है। अब यहाँ पर कुछ कुछ नया मिला है। नीचे के आप विजेट्स वाले आइकन जो देख रहे हैं, ये पहले ट्रांसपेरेंट टाइप के थे और अब जो है इसके ऊपर ग्रे कलर का शेड बन गया है। विजेट जो नीचे में ऑप्शन आते थे विजेट के मेन्यू, इसके अलावा डार्क कलर का मेन्यू वाला एक ऑप्शन आ गया है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ऊपर का टैब नीचे करते हैं नोटिफिकेशन पैनल वाला पूरा, तो उसके अंदर आपको दिखता है वो। खैर, थीम की बात करूँ तो लाइव वॉलपेपर वाला थीम आ चुका है बहुत सारे डिवाइसेस में, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, तो उसकी कहानी बड़ी अजीब हो गई है। अगर आपके फ़ोन में भी पॉसिबल है, विजिबल है, आ रहा है, तो आप प्लीज़ दिखाओ। ये देखेंगे आप नोटिफिकेशन टैब जो ऊपर का है तो वो वाइट वाइट लग रहा है, ग्रेट, तो पहले वो ट्रांसपेरेंट था, अब वो थोड़ा सा वाइट लग रहा है। कैमरा के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा के बारे में मेरा ख्याल अच्छा नहीं है। म्यूज़िक प्लेयर देखेंगे आप तो म्यूज़िक प्लेयर के ऊपर ब्लैक और वाइट का बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो शेड वाला, ये सब पुराने फीचर में नहीं था, पहले ये ट्रांसपेरेंट रहा करता था, अब जो है इस पर ब्लैक बॉर्डर के ब्लैक शेड्स आते हैं, तो ये जो है ये फ़र्क आई है। फिंगरप्रिंट अभी भी बढ़िया वर्क कर रहा है, डुअल ऐप वाला जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। और सेटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नए फीचर्स मिले हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशनल के अंदर, तो वो फीचर क्या है मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे वो ठीक से समझ में नहीं आया। वॉलपेपर में वही सारे बेसिक वॉलपेपर हैं, बस एक लाइव वॉलपेपर जो आ गया है थीम में वो बस कुछ नया है, बाकी इसमें कुछ भी आपको कहीं से भी नया नहीं मिलेगा। सीधे सीधे अगर MIUI 10 के कैमरा की बात करूँ Redmi Note 5 Pro के लिए, तो लो लाइट कंडीशन में पिछले अपडेट में ये ख़राब हो गया था, इस अपडेट में कुछ हद तक बेटर किया गया है, बट वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है तो मैं उसे उतना अच्छा नहीं कहूँगा। वीडियो स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई है पहले से, और क्या, फ्रंट कैमरा ठीक काम कर रहा है बट बेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं। देखेंगे आप वीडियो स्टेबिलिटी में शेक कर रहा है कैमरा वीडियो में, तो ऐसा कुछ पहले नहीं होता था। हो सकता है ये सिर्फ लो लाइटिंग में हो रहा है और नॉर्मल लाइट में सही चले, बट इस पर कुछ भरोसा नहीं है। फ्रंट कैमरा भी लो लाइटिंग का बेटर है, मतलब जितना होना चाहिए, क्योंकि लाइट बहुत कम थी यहाँ पर जब हर्षित शूट कर रहा था, तो उस हिसाब से कैमरा ठीक है, बेटर हुआ है, क्योंकि पिछले अपडेट में तो भाई ख़राब हो गया था, तो अब जो भी हुआ है वो बेटर ही हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा और कुछ मुझे इसके अंदर बग्स वगैरह नहीं मिले हैं। अगर आपको कोई बग नज़र आता है तो आप प्लीज़ ध्यान से मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, वो सारे मेंशन कर दूंगा मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने आर्टिकल पर, ताकि दूसरे भाई लोग को आसानी हो। तो अभी तक तो ये रोम इंस्टॉल हो रहा है, आगे का मुझे नहीं पता, हो सकता है सस्पेंड हो जाए, तो आपको चाहिए तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपने एंड तक देखा है तो कमेंट भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आप देख सके ऐसे ही वीडियो सबसे पहले।